और आइए अब सीधे रुख करते हैं, संबित पात्रा इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। उन्हें दोषी करार दिया था और उन्हें दंडित भी किया था, और जिसका फल यह रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, देश के कानून के मुताबिक, और वह भी वो कानून जो जब यूपीए की सरकार थी उस समय ये कन्विक्शन पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, यह कानून कांग्रेस द्वारा ही लाया गया था, यूपीए की सरकार द्वारा ही लाया गया था, और आपको याद है राहुल गांधी ने नॉनसेंस कह के उस ऑर्डिनेंस को भी फाड़ा था। उसी कानून के अंतर्गत राहुल गांधी जी अपने सांसद सदस्यता से लंबित अर्थात डिस्क्वालिफाई भी हुए। आज मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से यह न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं, रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कहके आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया, और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आप, हम, हर कोई अपील में जा सकता है। आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था, और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में? मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? दूसरा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आपने ओबीसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया, और अब यह आपकी धृष्टता है। आप सोच के देखिए, आप सूरत में जाकर आज गुजरात में जले में घी और कटे में नमक डालने का काम करना चाहते हैं। ये ओबीसी समाज के प्रति उनको जिस प्रकार से आपने गाली देने का काम किया है, द वे यू हैव अब्यूज द ओबीसी कम्युनिटी, आज आप सूरत में जाकर जले में घी, उनका दिल जल रहा है उस पर आप घी डालेंगे, और कटे में नमक, उनका जो घाव बना है आपके गाली से उस पर नमक डालने और नमक मलने का काम करने वाले हैं। यू आर ओनली गोइंग टू ऑगमेंट द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड फॉर द ओबीसी कम्युनिटी, यू आर ओनली गोइंग टू ऑगमेंट द इंसल्ट दैट यू हैव थ्रोन ऑन द ओबीसी कम्युनिटी बाय गोइंग एंड स्टेजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन सूरत। आवर क्वेश्चन इज, आर यू ट्राइंग टू प्रेशराइज द इंडियन जुडिशियरी थ्रू दीज गिमिक्स ऑफ योर्स? बंधुगण, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जहां तक राहुल गांधी और उनके परिवार का सवाल है, कोर्ट ने उन्हें एक मौका दिया था, निचली अदालत ने, द लोअर कोर्ट, उन्हें एक मौका दिया था कि राहुल जी आप माफी मांग सकते हैं, आपने ओबीसी कम्युनिटी के प्रति जिस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप माफी मांग सकते हैं। राहुल ने कहा, मैं राहुल हूं,
मैं माफी नहीं मांगता, आई एम राहुल, राहुल डज नॉट से सॉरी, सच एरोगेंस, मैं राहुल हूं। अरे राहुल ही तो हैं, यही तो हम शुरू से बोल रहे हैं, द टू आर्स नेवर गो टुगेदर, राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, राहुल और जिम्मेदारी कभी एक साथ चलते ही नहीं है। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं, क्यों ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है, इतना एरोगेंस क्यों है? इस देश की अदालत में यह सुंदरता है, इस लोकतांत्रिक देश में यह खूबसूरती है कि किसी भी डिफेमेशन केस में अदालत आपको मौका देती है अपने भूल सुधारने के लिए। द कोर्ट गिव्स यू एम्पल प्लेटफॉर्म टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक। अगर आपसे गलती हुई है आप कहिए मिलॉर्ड मुझसे गलती हुई है, मैंने ओबीसी कम्युनिटी का मजाक बनाया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके एफिडेविट लिख करके रफाइल के केस में माफी मांगा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ उगलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कान पकड़वा करके माफी मंगवाया था, लिखित में माफी मंगवाया था और माफी मांगना पड़ा था। पहले तो याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये राहुल बाबा तैयार नहीं थे माफी मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू अपोलोजाइज एंड दैट टू इन रिटन थ्रू एन एफिडेविट, एफिडेविट देके माफी मांगनी पड़ी थी। सूरत के निचली अदालत ने यह मौका राहुल गांधी को दिया था, राहुल गांधी ने अपने एरोगेंस के कारण माफी नहीं मांगी क्योंकि उनको कटे में नमक लगाना था ओबीसी समाज के। और आज उसी अपमान को दोहराने के लिए, उसी इंसल्ट को बढ़ाने के लिए ओबीसी कम्युनिटी की तरफ आज वो अपने परिवार के साथ कूच कर रहे हैं गुजरात की ओर, जनता सब देख रही है। राहुल गांधी, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देख रहे होंगे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वाई सच डिस्डेन, हिंदुस्तान के ओबीसी कम्युनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? Why don't you have faith in Indian judiciary? जब कोर्ट ने ये फरमान सुनाया, जब सूरत के निचली अदालत ने इस प्रकार का फरमान सुनाते हुए आपको दोषी करार दिया और आपको दंडित किया और अपील करने के लिए विंडो भी दिया आपको, उसके बाद आप और आपके लोगों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान के जुडिशियरी के ऊपर हमला किया, ये अपने आप में चिंता का विषय है, because you don't have any regard for the judiciary of India. हमारा तीसरा सवाल है, वाई सच हेट्रेड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र के लिए इस प्रकार की वितृष्णा क्यों है? आप याद करिए, पहले जाके हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान को अपमानित करते हैं और अब जब ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करते हैं और ओबीसी कम्युनिटी को अपमानित करने के कारण कानून के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लुक एट दी, आप हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी, लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी, फॉरेन कंट्रीज में उनके एजेंट्स को फिट कर रखा है कि यहां से वक्तव्य जारी कराइए कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। दिस इज नथिंग अदर देन इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा मूवमेंट, राहुल इज नॉट इंडिया एंड इंडिया इज नॉट राहुल। ये राहुल गांधी पर्यायवाची शब्द है भारतवर्ष का, और भारतवर्ष मतलब राहुल गांधी और गांधी परिवार ये नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कानून के अंतर्गत हुए हैं, इसलिए आपके एजेंट जाके दूसरे देशों में जो बयान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष से कर रही है, तो हम सवाल पूछते हैं, व्हाई दिस डिसडेन, दिस डिसलाइक फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रकार का वितृष्णा भाव क्यों है आपके मन में? और एरोगेंस और एंटाइटलमेंट की चरम सीमा देखिए, उनके जो बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद तिवारी जी कहते हैं ये तो गांधी परिवार के लोग हैं, ये राहुल गांधी है, देश का कानून अलग होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। क्यों भैया, गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा? वाई शुड देयर बी अ सेपरेट सीआरपीसी और एन आईपीसी फॉर द गांधी फैमिली? आप किस प्रकार का घमंड, किस चरम तक एरोगेंस जा सकता है? देखिए कि देश का एक नूतन कानून होना चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए, देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ गांधी फैमिली। इसलिए जो राहुल गांधी के साथ हुआ कोर्ट में वो उचित नहीं है क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। मतलब आप और हम सेकेंड कैटेगरी के इंडियंस हैं,
और ये गांधी परिवार के लोग यही हमारे शहनशाह और शहजादे हैं। ये इस प्रकार की भावना से अब भारतवर्ष निजात पा चुका है, अब भारतवर्ष उसमें नहीं है। और मैं अंतिम प्रश्न जो आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं और आप लोगों को भी सूचित करना चाहता हूं कि बंधुगण, कांग्रेस के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स है, दो मानदंड है। आप देखिए, सन 1996 में कैश फॉर वोटिंग स्कैम के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के ऊपर केस चला और लगभग 2000 में उन्हें हिंदुस्तान के एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें 3 वर्ष का जेल करार दिया कि 3 वर्ष के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जेल जाना पड़ेगा। क्या एक दिन भी सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव को बचाने के लिए, या यह अन्याय हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, क्या एक भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव जी के घर गया? क्या एक भी व्यक्ति गांधी परिवार का सड़क पर अपील कर रहा था या सड़क पर संघर्ष करता हुआ नजर आया, सड़क पर नौटंकी करता हुआ नजर आया, सड़क पर हुड़दंग करता हुआ नजर आया? अरे गांधी परिवार तो छोड़िए, कांग्रेस का एक भी व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव के साथ उस समय खड़ा नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव जेल जाए तो ठीक है, मगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो कानून बदल दो, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। इतना ही नहीं, डीके शिवकुमार आप जानते हैं, कर्नाटक के इनके नेता हैं, डीके शिवकुमार के ऊपर न जाने कितने केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये भ्रष्टाचार और ईडी सीबीआई के केस को लेकर राहुल बाबा, प्रियंका जी और उनका पूरा कुनबा जो है वो तो सड़क पर उतर आती, मगर डीके शिवकुमार को बचाने के लिए गांधी परिवार कितनी बार सड़क पर उतर गया? क्या आपने प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी को एक बार भी ये कहते सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अरे डीके शिवकुमार जी के ऊपर जो हुआ उससे हिंदुस्तान का लोकतंत्र समाप्त हो गया? नहीं, ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि डीके शिवकुमार डज नॉट बिलोंग टू द गांधी क्लैन। अगर गांधी परिवार में से किसी से ईडी ने पूछताछ कर ली और अगर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया तो हाय तौबा, ये कैसे हो सकता है? शहनशाह और शहजादे, इनको पकड़ लिया जाए? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान से ऊपर हैं। और उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू, आप तो जानते हैं वो कौन है। अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और जैसे राहुल गांधी आज ओबीसी समाज के डिफमेशन के केस में सजाताब हैं, उनको सजा दिया गया है, ठीक उसी प्रकार अजय कुमार लल्लू ने भी डिफमेशन केस में उनके ऊपर केस चला था। एक मंत्री के ऊपर उन्होंने अनर्गल बयान किया था उत्तर प्रदेश में, पूरा विषय कोर्ट में चला और अजय कुमार लल्लू को सजा हुई, उन्हें जेल हुआ, वो भी जेल में थे। एक दिन आपने राहुल गांधी जी को सड़क पे उतरते हुए या अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर गुहार लगाते हुए या ये कहते हुए सुना कि हाय डेमोक्रेसी खत्म हो गई? अजय कुमार लल्लू जेल जाए तो डेमोक्रेसी ठीक है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू तो गांधी परिवार के नहीं है। गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी और सजा उनको हो गया तो हाय तौबा मचा देना है और हुड़दंग कर देना है। मगर आज राहुल जी, आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से आपसे कहती है, यू कैन नॉट टेक द ओबीसी कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड। भारत के पिछड़े वर्ग को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करेंगे, उन्हें गाली देंगे, उनका अपमान करेंगे, और जब कोर्ट इस पर टिप्पणी करेगी, कानून अपना काम करेगा, तो आप जाकर हुड़दंग करेंगे? ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। देश बदल चुका है, देश आगे बढ़ चुका है। आज हिंदुस्तान में एक ट्राइबल महिला सबसे पहली बार हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनी है, ये कितनी बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, आज ओबीसी समाज से सर्वाधिक लोग हमारे कैबिनेट में मौजूद है। स्वाभाविक रूप से यह दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह इस सरकार का मंत्र है। इस मंत्र को तोड़ने वाले को किसी प्रकार की रियायत
नहीं दी जाएगी, सबको एक होकर चलना पड़ेगा। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। इसी विषय पर कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछे पहले। सर, दिस इज सुभाषिश मोदी फ्रॉम एबीपी नेटवर्क। आई वांट टू आस्क यू दैट इफ यू लुक इनटू बंगाल पॉलिटिक्स इन दैट मैटर, ममता बनर्जी, वन ऑफ द लीडिंग ऑपोजिशन लीडर, शी हैज ऑलरेडी स्टेटेड दैट वो राहुल जी के साथ है। ऐसे सारे विरोधियों वो गांधी परिवार के तरफ आके हाथ फैला रहे हैं कि हम सब साथ है, सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? मुझे तो आश्चर्य होता है, ममता बनर्जी सुबह कुछ कहती हैं, शाम को फिर राहुल गांधी के खिलाफ कहती हैं। सुबह बुके लेके गांधी परिवार के पास पहुंचती है और दोपहर तक कहती है राहुल बाबा से ना हो पाएगा। तो पहले तो आदरणीय ममता जी से आप पूछ लीजिए कि राहुल जी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पात्रा इस वक्त एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र में विश्वास नहीं